हेलो वेलकम टू गेट एकेडमी। गेट ईसी 2019 के लिए हम यहाँ बात कर रहे हैं सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के कुछ क्वेश्चंस की। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास आया था कि एक्स ऑफ टी हमारा कोई कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है, वैल्यू है 1 प्लस 2 कॉस पाई टी प्लस 3 साइन 2 पाई बाई 3 टी प्लस 4 कॉस ऑफ पाई बाई 2 टी प्लस पाई बाई 4। इसके लिए आपको पीरियड पूछा गया था, ठीक है। तो जब भी आपसे जैसे पूछा गया पीरियड्स इन सेकेंड्स, तो हमें अब इसकी पीरियोडिसिटी चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, आपको कुछ न्यूमेरिकल आंसर देना है इसमें। तो यहां पर जब भी हम पीरियोडिसिटी की बात करते हैं या पीरियड की बात करते हैं, तो अगर ये इंडिविजुअल सिग्नल्स पीरियोडिक हैं, इसमें अगर कोई डीसी टर्म एडेड है तो आप डीसी टर्म को कंसीडर नहीं करते इन केस ऑफ जब आप पीरियोडिसिटी चेक करते हैं या फिर टाइम पीरियड इवैल्यूएट करते हैं। क्योंकि कोई भी अगर पीरियोडिक सिग्नल है, डीसी से अगर उसमें कुछ शिफ्ट किया आपने, तो बस वैल्यू शिफ्टेड हो जाएगी उस डीसी वैल्यू से, बाकी पीरियोडिसिटी उस या उसके रिपीटेशन के रेट इन पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इंडिविजुअली अगर ये हमने मान लिया कि तीन अलग अलग सिग्नल्स हैं, इन तीनों सिग्नल्स के लिए आपको पता है कि अगर ओवरऑल सिग्नल का हमें पीरियड देखना है तो क्या करना पड़ेगा, इन तीनों इंडिविजुअल सिग्नल्स का आपको पीरियड फाइंड करना है और उनके लिए आपको क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। तो आपको इस ओवरऑल सिग्नल एक्स ऑफ टी के लिए टाइम पीरियड की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। अगर हम जनरल रिप्रेजेंटेशन ए साइन और कॉस, साइन हो सकता है या फिर कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव, इससे अगर हम कंपेयर करें अपने सिग्नल्स को, तो ये जो हमारे पास सिग्नल है ए कॉस ओमेगा नॉट टी, तो ओमेगा नॉट वन की वैल्यू हमें कितनी दिख रही है, पाई। ऐसे ही हमने इसको कंपेयर किया ए साइन ओमेगा नॉट टी, तो ओमेगा नॉट टू की वैल्यू है 2π/3, और इसको कंपेयर किया ए कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस पाई, तो ओमेगा नॉट की वैल्यू है ओमेगा नॉट 3 इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, ठीक है। जैसे आपका फिर से यहां से जो भी फेज शिफ्ट है उसे भी पीरियड या फिर उसके फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो आप अगर इन तीनों के लिए आप इंडिविजुअल टाइम पीरियड्स देखें, तो टी इज इक्वल्स टू आप लिखते हैं 2π/ω, तो 2π/ω0 1, दैट इज t1 अगर हम देख रहे हैं 2π/π, क्या वैल्यू मिली आपको 2 सेकेंड्स, ω0 2 पता है तो t2 इज इक्वल्स टू 2π/ω0 2, दैट इज 2π/3, तो ये वैल्यू कितनी मिल गई आपको 3 सेकेंड्स। यहां से अगर आप फाइंड करेंगे तो t3 इज इक्वल्स टू 2π/ω0 3, दैट इज π/2, तो ये वैल्यू आपको कितनी मिल गई 4 सेकेंड्स। इंडिविजुअल सिग्नल्स के आपको पीरियड्स पता चल गए। यहां से आप वैसे भी देख सकते थे कि ये तीनों ही जो पीरियड्स हैं वो क्या हैं, इंटीजर्स हैं। तो जब इनका रेशियो भी हम अगर लेकर चेक करें तो पीरियोडिसिटी बिल्कुल ये सिग्नल पीरियोडिक होगा, क्योंकि आपको रेशियो क्या मिलेगा, रेशियो ऑफ इंटीजर्स मिलेगा। खैर हमसे पूछा भी नहीं गया, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि ओवरऑल टाइम पीरियड टी इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ t1 t2 एंड t3, ठीक है। तो ये हमने एलसीएम बस ले लिया, एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4, और आप जानते हैं 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या वैल्यू मिल गई आपको 12, तो देयरफॉर टी इज इक्वल्स टू 12 सेकेंड्स, ये हमारा आंसर है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते थे आप, या फिर इस डेटा को ही यूज करके अगर आप इंडिविजुअल टाइम पीरियड सबके लिए अलग से फाइंड नहीं करना चाहते, ω1 ω2 ω3 पता है तो इंडिविजुअल सिग्नल्स का अगर पता है तो ओवरऑल ओमेगा नॉट भी आप फाइंड कर सकते थे, जीसीडी ऑफ ω0 1 ω0 2 एंड ω0 3, ठीक है। तो जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, या फिर आप इसको एचसीएफ भी कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ओमेगा नॉट वन इज पाई 2π/3 एंड π/2, ठीक है। तो जब भी आपको इस टाइप का लेना हो एचसीएफ, तो इसको हम देखिए ऐसे लिख सकते हैं π/1, तो आप क्या लेते हैं न्यूमरेटर्स का एचसीएफ और डिनोमिनेटर्स का एलसीएम, तो इन सब का एचसीएफ कितना आएगा, कौन सी ऐसी वैल्यू है जिससे हम पाई 2π और पाई में डिवाइड करें और हमें इंटीजर वैल्यू मिले। पाई से अगर आप डिवाइड करेंगे तो यहां से 1 मिलेगा, यहां से 2 मिलेगा, यहां से 1 मिलेगा, मतलब न्यूमरेटर्स का जो एचसीएफ आएगा वो वैल्यू होगी पाई, और डिनोमिनेटर्स का आपको एलसीएम लेना है। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 1 3 और 2 का एलसीएम 6। तो आपको ओवरऑल सिग्नल के लिए फ्रीक्वेंसी पता चल गई ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू π/6, तो देयरफॉर यहां से भी आप देख सकते थे कि ओवरऑल सिग्नल का टाइम पीरियड दैट इज इक्वल्स टू 2π/ω0, तो क्या वैल्यू हो जाती 2π/π/6, ये वैल्यू भी आपको क्या देता है यहां से भी 12 सेकेंड्स। तो चाहे आपने जिस मेथड से भी सॉल्व किया होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने भी ये पेपर दिया होगा, ये क्वेश्चन उनका जरूर सही आया होगा, वैल्यू 12 सेकेंड्स। थैंक यू वेरी मच।